नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है आप और आपके परिवार के सदस्य सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात शेयर कर लेते हैं कि काफी चैनल्स पर मेरे वीडियो की डुप्लीकेसी हो रही है मेरी बिना परमिशन के, तो भाई उनसे सावधान रहे, किसी से कोई कंसल्टेशन ना ले और जल्दी ही मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि कोई इस तरह का तरीका निकाला जाए कि जिनको कंसल्टेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है उनको मैं टेलीफोनिकली कंसल्टेशन दे सकूं। आपका आशीर्वाद हुआ, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, तो जल्दी ही ये काम मैं कर लूंगा। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो केतु ग्रह किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, कितना स्ट्रांग हो, कितना वीक हो, जितनी इसमें पावर है उससे दुगना तिगना लाभ लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। केतु एक इमोशन है, कहते हैं कि केतु संसार से वृत्ति देता है, संसार से मोह माया की कमी करवाता है। ऐसा नहीं है, देखिए केतु का जो स्वभाव है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं है, धाड़ है ना, दिल है, उसके कारण भावुकता के कारण सभी का करवाता है। ये जहां तक दिल से करता है दूसरों का जिस भाव में केतु हो, लेकिन जब जातक को आवश्यकता होती है तो दुनिया का असली चेहरा नजर आता है। खास तौर पर 42 वर्ष के बाद और अधिक से अधिक जब आपकी आयु 48 इयर्स हो जाए, 48 वर्ष हो जाए, उसके बीच केतु दिखा देता है कि भाई इस दुनिया के क्या रंग है, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। और उसके बाद राहु एक्टिवेट होता है फिर, क्योंकि जब हम अच्छा करें नतीजा बुरा मिले तो राहु एक्टिवेट होकर बुरा करता है नतीजा अच्छा देता है। यानी केतु का जो फल है कुछ तो पूर्व जन्म का है, कुछ अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है, कुछ राहु इसको काउंटर बैलेंस इसी जन्म में कर देता है। तो केतु पूरा लाभ कब देगा? केतु कहता है कि जी ये मृत्यु लोग है जहां कुछ नहीं रखा और अपनी लाइफ में कम सोचे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। जिस वस्तु के पीछे अधिक भागोगे, जिस वस्तु के बारे में अधिक सोचोगे, जो चीज अधिक पाना चाहोगे तो वो आपको बहुत देरी से दिलवाएगा केतु। तो एक सीधा फंडा है, जिस भाव में केतु हो उस भाव का लाभ लेने के लिए जो आपको चाहिए उससे उल्ट सोचे, या सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दें, कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, किसी की मिन्नत तरले नहीं करने, कोई जुगाड़ नहीं लगाना, कोई छल कपट नहीं करना, आराम से बैठिए, जैसे बरसात में घास भरता है इसी तरह अचानक
केतु महाराज आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। जैसे लग्न से शुरू करते हैं पहले भाव में केतु हो, तो अगर आप सोचते रहे कि जी समाज में मेरा मान सम्मान कैसे बढ़ेगा, तो क्या होगा, लोगों के बहकावे में आकर अपनों से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मान सम्मान में कमी आएगी। तो मान सम्मान हैसियत के बारे में बिल्कुल ना सोचे, जो है बहुत अच्छा है, और विनम्रता रखें। केतु इमोशंस है, केतु में मंगल और बृहस्पति दोनों के गुण है, यानी साहस के साथ विनम्रता आवश्यक है, साहस और विनम्रता के साथ धैर्य के साथ जीवन जिए। और आपको पता भी नहीं होगा कि जीवन में कब कितनी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, लेकिन एक बात का जहां ध्यान रखना है कि जीवन में कोई भी कार्य करना है अपने दिमाग से सोचकर करना है, किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर, जल्दबाजी में कोई कार्य बिल्कुल नहीं करना। आगे जो लग्न का भाव है वो स्वास्थ्य का भाव है, तो जो आपका सेहत है स्वास्थ्य है, छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी। इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है, बीमारी आएगी चली जाएगी। कोई थोड़ी बड़ी बीमारी आए मेडिकेशन लीजिए, साथ में एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, करना क्या नहीं है, दिमाग को बीमारी से अलग करने की कोशिश करनी है। ये है तो बहुत मुश्किल कार्य कि जी मान लीजिए पांव में दर्द हो रहा है, तो दिमाग को हम कैसे इससे अलग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई बड़ी बीमारी आ गई, ईश्वर ना करे आए हार्ट से संबंधित आ गई या और कोई आ गई, इसको भाई दिमाग पर ना आने दें कि मैं बीमार हूं। हमेशा यही सोचें कि मैं स्वस्थ हूं। अगर ये सोचेंगे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, फिर आपकी बीमारी लंबी चलेगी। अगर यही है विचार है कि मैं तो ठीक हूं और क्या ठीक हूंगा, तो फिर बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर लेंगे। जब भाई केतु महाराज धन भाव में, आपके कुटुंब के भाव में, खानदान के भाव में विराजमान हो जाए, तो धन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आ रहा है जा रहा है देखते रहिए, कोई प्लानिंग नहीं करनी कि जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां करेंगे, जहां ईश्वर करवाएगा कर देंगे, अधिक खर्च हो गया तो भी मृत्यु लोक से आए थे पैसे जहीं पर खर्च कर दिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हाथ तंग नहीं होगा आपका। कोई खराब दशा अंतर दशा आ जाए बहुत अधिक, साल छह महीने पैसों की तंगी हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता, धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। धन के बारे में सोचना नहीं और धन कमाने की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी, तो देखिए कैसे आपका धन बढ़ता है। दूसरा जी आपकी वाणी का है, कभी ये नहीं सोचना कि कल मैंने अपने बॉस से बात करनी है या अपने रिश्तेदार से बात करनी है या उसने मेरा दिल दुखाया है उससे बात करनी है, क्या कहूंगा। अगर प्लानिंग बना ली फिर आप अपने जो कार्य है उसमें फेल होंगे।
यानी कि जो भी बात दूसरे तक पहुंचानी थी, जो भी कार्य करवाना था, वो आपका नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सोचना वाणी के बारे में कि अच्छी हो बुरी हो, अपने आप अच्छी हो जाएगी, अपने आप बुरी हो जाएगी, अधिक असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, अगर चाहोगे कि ये मेरा करे तो भाई ये आपकी गलतफहमी होगी, कोई आपका नहीं करेगा। और जितनी किसी से उम्मीद रखोगे, जितनी सहायता मांगोगे, उतनिया ही समाज में आपका जो इज्जत का ग्राफ है वो डाउन होगा। तो जो कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उनसे तो भाई इस तरह पेश आओ कि आप राजा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना ही कोई उम्मीद रखी है। नौकर है, चाकर है, अच्छे हैं, लेकिन नौकर चाकरों की तरह काम करें फिर आपका कुछ नहीं करेंगे, दिल से नहीं करेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई ये भी इंसान है, थोड़ी इंसानियत रखी, तो फिर अच्छा कार्य करेंगे। जब आपकी मिथुन राशि में तीसरे भाव में केतु हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरी राशि बनती है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जी केतु की नीच राशि है, देखा गया है कि केतु थोड़ी मानसिक अशांति देता है इस राशि में, मिथुन राशि में। लेकिन तीसरा भाव है केतु का, प्रिय भाव है, तो इस भाव में जब केतु विराजमान हो जाए तो जातक के दिमाग में जब आ जाएगा कि जी मेरी इज्जत हो, मान सम्मान बढ़े, जश बढ़े, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे उसका फल मिले, जब तक ये सोचते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। अपना कर्म करो, सोचना कुछ नहीं है, अपने आप अचानक ही आपको आपके कर्मों का फल मिल जाएगा। मित्र शत्रु के रूप में होंगे जीवन में, और जब आपको मालूम हो कि ये तो गुप्त शत्रु निकला, फिर आप योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि ये होगा जब तीसरे भाव में केतु होता है, फिर बंदा योजनाएं बनाता है कि इसको कैसे, इसका नाश किया जाए। ये तो मित्र के रूप में शत्रु निकला, इतना नुकसान करवा दिया। ये जो आपकी सोच है उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा लोगे हाथ पैर मारकर, कोशिश करकर, लेकिन अपना नुकसान और अधिक करवा लोगे। इसमें एक बहुत गहरा भेद है कि जिसने आपका नुकसान किया है वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण हुआ है, तो जो हो गया उसको भूल जाना बेहतर होगा। प्रकृति अपने आप बदला लेगी। बहुत से ज्योतिष सम्मेलनों में जो आम जनता होती है कई बार क्वेश्चन करती है कि जी प्रकृति बदला लेगी, कोई थप्पड़ मारे हम थप्पड़ खा लें। देखिए थप्पड़ मारने की सिचुएशन है कि आपको कोई शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका जो इफेक्ट है वो बहुत गंभीर हो सकता है, लेकिन कोई गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, ईश्वर पर, ईश्वर को क्या मंजूर है,
आपके कर्म कैसे हैं, आपकी दशा अंतर दशा कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात, गुप्त शत्रु को कहिए कि भाई आज से तेरा रास्ता और मेरा रास्ता हो, और उसको नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करनी। अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की तो भाई थोड़ा आपको नुकसान अधिक होगा, उसको हो जा ना हो। जब ये केतु चौथे भाव में विराजमान हो जाता है तो चंद्रमा का घर है, मन का कारक है, तो ये जो भाव है ये कामनाओं का भाव है। केतु कहता है जी कोई कामना ना रखो, और ये भाव है कामना का कारक। अब जो हम इस संसार में अपना जीवन जी रहे हैं तो कामनाएं पूरी करनी पड़ेंगी, तो केतु को भी खुश करना पड़ेगा, चौथे भाव को भी खुश करना पड़ेगा। उसके लिए बीच का रास्ता निकाल लिया। बीच का रास्ता क्या हुआ कि जी जो भी हमारी कामना है हमने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। कामना है कि मेरे पास इस कंपनी की गाड़ी हो, ये मेरी कामना है, लेकिन हो उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि कब आएगी, कैसे आएगी, कहां से आएगी। बस आपको इतना करना है, उसके बाद गाड़ी देने का काम कौन करेगा, केतु महाराज और चौथा भाव। जब आपका घर बन रहा हो मकान, तो जब तक ये शुरू ना आप कर दें मकान बनाना, तब तक ढोल नहीं पीटना। जब मकान बनेगा लोग देखेंगे, अपने आप उनको मालूम हो जाएगा। जो आपका परिवार है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता, बहुत क्लोजली रिलेटेड लोग हैं आपसे, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे उनसे। अपने जो उसूल है उन पर थोपने की बिल्कुल कोशिश ना करें, तो आपको लाभ भी होगा, आपके परिवार के सदस्य आपकी इज्जत भी करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वो आपके घर में अच्छा रहेगा। जब भाई पंचम भाव में केतु विराजमान हो जाता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव है, तर्क वितर्क का भाव है, और केतु क्या है, इमोशन है, दिल है, दिमाग तो है ही नहीं। तो एक व्यक्ति आया कि जी मेरी बीवी बीमार हो गई, उसको पैसे दे दिए। दूसरा आया जी मेरे बच्चा बीमार हो गया, उसको पैसे दे दिए। तीसरा आया जी 10 दिन से काम नहीं मिला, भूखा मर रहा हूं, उसको पैसे दे दिए। जानी पात्र कुपात्र नहीं देखेगा। ये जो इमोशंस हैं जहां पर डबल हो जाएंगी अगर केतु विराजमान हुआ, यानी जातक बिना मतलब के सभी की सहायता, बिना लॉजिक के सहायता, बिना लॉजिक के अपने आप को ये शो करना कि मैं अच्छा हूं। क्यों? क्योंकि सूर्य का घर है, अहंकार भी है थोड़ा सा, अहंकार है तो दुनिया को भी दिखाना है, दिखावा भी करना है। तो इस दिखावे के चक्कर में भाई अपने अधिक पैसे खराब मत कर लेना। और एक बात मैं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपको, कोई भी उम्र है आपकी, 50 साल है, 55 साल तक का है, 18 साल है, 20 साल है, कि जहां पर जो केतु होता है, अगर आपका करैक्टर खराब हो गया,
या आप किसी इस तरह के विपरीत लिंग के चक्कर में फंस गए, फिर ये जो चक्कर व्यू बनेगा इसमें आप चक्कर ही खाते रहेंगे जीवन भर। ये बात नोट कर ले, इनिशियल स्टेज पर ही इसको कंट्रोल करें, किसी विपरीत लिंग को अपने नजदीक नहीं आने देना जीवन में। अगर आ गया तो आपके दिमाग पर ना छाए, वरना बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट बीट का ध्यान रखें, अगर तेज हो रही होती हो तो प्राणायाम कीजिए। जहां केतु कई बार एक काम में मुश्किल ला देता है कि जी ये तो मेरा असूल है, जैसे हमारे एक मित्र से एक दिन माता की डेथ होगी, अगले दिन पिता की डेथ होगी, तो उन्होंने घर का जो भी सामान था उसकी चाबी अपने बड़े भाई को दे दी, जो माता पिता से अलग रहते थे। माता पिता की जो सेवा है मेरे मित्र ने की थी, उन्होंने तो ये समझ कर दी कि जो बड़ा भाई होता है वो बाप के समान होता है, तो उन्होंने जो कैश था, गोल्ड वगैरह था, सब कुछ बांट लिया और उसके बाद नॉमिनेशंस होती हैं जो, वो भी बांट ली। उसने वो भी दे दी कि भाइयों में प्यार बना रहे। ये मैं बात कर रहा हूं पंचम भाव केतु और ईमानदारी की। उसके बाद जमीन भी थी उनकी, जमीन के बंटवारे में उसने सिर्फ 2 फीट जमीन अधिक मांगी थी एक जगह पर, कि चाहे दूसरी जगह मेरी 4 फीट काट लेना, ये मेरा घर है, मेरा घर देखने में अच्छा लगे, आप मुझे सिर्फ 2 फीट या 3 फीट जमीन दे दीजिए। इतनी बात उनके भाइयों को अच्छी नहीं लगी जिनके लिए उसने इतना कुछ किया, जिनके बच्चों के लिए इतना कुछ किया, और जिन्होंने माता पिता को संभाला नहीं उसने, क्योंकि माता पिता तो सभी के थे, उसने माता पिता को संभाला। तो जब कोर्ट केस हो गया तो मेरे पास आए वो कि भाई साहब ऐसे हो गया, तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जीवन में जो आपकी ईमानदारी है उस पर एक लिमिट लगाइए, लिमिट से अधिक दिया हुआ तो दान भी एक श्राप बन जाता है। दूसरी बात कि आप इतने असूलों से चले हो और माँ बाप की सेवा की है, लेकिन जब तक आपके भाइयों ने देखा कि माँ बाप की सेवा कर रहा है तब तक तो चुप थे और अब आपके खिलाफ हो रहे हैं, आपको अकेले छोड़ दिया। तो आप ये मत समझिए कि मैं अकेला हूं, सुपर पावर आपके साथ है, क्योंकि जो पंचम भाव है अचानक लाभ का भाव है, सुपर पावर जातक के पास होती है, और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं देखते ही देखते आप देखना कि उनके जीवन में कैसे हलचल आएगी, कैसे एक भूचाल आएगा, क्योंकि नेचर ने बैलेंस रखना, प्रकृति ने बैलेंस रखना, ईश्वर ने जो आप करोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दी कि पंचम भाव में केतु हो ईमानदारी, सोच समझकर,
छठे भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो दुश्मन की चिंता करनी छोड़ दीजिए, बड़े से बड़ा दुश्मन बन जाए ये सोचिए जो होना होकर रहेगा। अगर मैं चिंता करूंगा कुछ काम तो होगा नहीं, बड़े से बड़ा दुश्मन बन जाए इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जहां कन्या राशि है, अगर जिद्दबाजी में आ गए कि इसका नुकसान करूंगा, पुलिस से इसको डंडे दिलवाऊंगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जिद नहीं करनी और इनकी परवाह नहीं करनी, हाथी की मस्त चाल चलिए। पेट के रोगों का खास ख्याल रखना है और थोड़ा सोच के कारण होंगे, जे अधिक सोचेंगे तो पेट के रोग होंगे, इनका भाई थोड़ा ख्याल रखना है। जो छठा भाव होता है वो होता है आपका आत्मविश्वास, इतने गुणवान है आप, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, फिर भी आत्मविश्वास की कमी क्यों है कि पता नहीं मैं ये कार्य कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। दूसरे पल ऐसे विचार आते हैं कि ये तो कार्य कुछ नहीं मेरे लिए। तो ये बुध की राशि होने के कारण, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बाल ग्रह की राशि होने के कारण आपके मन में ऐसे विचार आएंगे। तो सबसे बड़ा इलाज है कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए, मालूम हो इतना नुकसान हो गया या होने वाला है, तब भी आपके चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। ऋण कम से कम ले और जो आपके दुश्मन है, एक तो जिनकी हमने चर्चा कर ली वो हो गए, दूसरे बुध के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्योंकि बुध बच्चा ग्रह, एक तो लोभ एक अहंकार, इन दोनों को जितना अधिक कम कर सको उतना आपके लिए बहुत अच्छा है और आपका जो जीवन है पीसफुली निकलेगा, आराम से निकलेगा। जब भाई सप्तम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो शुक्र की राशि या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से केतु विराजमान हो गए, दैत्य गुरु की राशि है, तो जहां पर आकर केतु अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। फंसा हुआ कैसे महसूस करते हैं कि गुरु बिल्कुल साथ है, दैत्य गुरु शुक्र की राशि है, उसमें केतु आ गए, जाने की चाहते ना चाहते हुए भी दूसरों की सहायता करेंगे, ना चाहते हुए भी दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ना चाहते हुए भी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, ना चाहते हुए भी लोगों के काम करेंगे और मन में भय रखेंगे कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इसके अलावा जो आपकी प्लानिंग है या कह लीजिए सोच है कि 6 महीने बाद ये कार्य करना पड़ेगा, चिंता आज से ही शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है ये जो भाव है ये है आपके जीवन साथी का, तो कितनी कोशिश कर लीजिए कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, वैसा चाहिए, लंबा चाहिए लंबी चाहिए, गोरा चाहिए गोरी चाहिए, लेकिन अचानक ही मिलेगा और
जो आपने सोचा होगा उसके अनुसार बहुत कम चांस है कि आपको मिले। साझेदारी में कार्य बिल्कुल नहीं। जब साझेदारी में काम किया तो समझ लीजिए कि खुद आप अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हो और एक मुसीबत अपने गले में डाल रहे हो। अष्टम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है, मंगल की जो ये राशि है, गुप्त भाव है, सबसे पहले तो अपने आप को सीक्रेट कीजिए। जब भी अष्टम भाव में केतु हो, दिल में क्या है, क्या कमाते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बहुत कम लोगों को मालूम होनी चाहिए। दूसरा, गुप्त संबंध, मैं इससे बनाकर ये लाभ ले लूंगा, कभी नहीं बनेंगे। अचानक बनेंगे, बस में यात्रा करते हुए बन जाएंगे, डॉक्टर के पास गए, वेटिंग में बैठे हैं, आपके साथ कोई और बैठ गया, उसके साथ इतने अच्छे संबंध कि आपका बड़े से बड़ा कार्य हो गया, आपको बड़े से बड़ा लाभ मिल गया। तो बड़े लोगों से रिलेशन बनाने की कोई प्लानिंग नहीं, कोई कोशिश नहीं। लाभ प्राप्त करने की, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं यदि करनी। अपने आप ईश्वर रास्ते खोलते जाएंगे, जब समय आएगा अपने आप आपको अचानक ही लाभ हो जाएगा। जब नवम भाव में केतु हो तो जहां पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि धनु, तो केतु को उच्च का मानते हैं। जब केतु उच्च के हो जाए और अचानक फल देने वाले हो जाए, नवम भाव है जन्म भूमि से दूर। जन्म भूमि से जितनी दूर कार्य करोगे, विदेश में कार्य करोगे, उतना भाग्य साथ देगा और उतना ही आपका भाई, आपके बहनोई आपका इज्जत मान सम्मान करेंगे जितना उनसे दूर होकर आप कार्य करेंगे। भाग्य एक्चुअल में भाग्य का काम करेगा। जहां पर नवम भाव में केतु हो, मैं तो ये कहता हूं कि नवम भाव में केतु हो, किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव में ना हो, बृहस्पति शुक्र आदि का साथ मिल जाए, खासतौर पर बृहस्पति का साथ मिल जाए, तो जब भी आप मुसीबत में होंगे भाग्य आपका साथ देगा, ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी धार्मिक होना ना होना समय समय पर आप बदलेंगे। धार्मिक स्थान पर माथा टेकिए या ना टेकिए, आपकी कोई क्षमता है, लेकिन गरीबों को, जरूरतमंदों को हमेशा इनकी सहायता करनी है, आपने हमेशा इनके साथ खड़े होना। और अगर गुप्त दान दे सको तो ये सबसे अच्छा आपके लिए। गुप्त दान सॉरी आपके जो भाग्य है उसको चमकाएगा। दशम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, बहुत से लोग हो सकते हैं उसमें, तो लग पुलिंग भी हो जाती है, कई बार पार्टीबाजी भी हो जाती है, कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स भी चलती है, बॉस भी होता है,
अगर नौकरी करते हो सरकारी है तब भी आपकी ACR वगैरह लिखी जाती है, मगर उसमें फाइनेंस की प्रॉब्लम कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी अधिक होती है। तो जब केतु आपके कार्य स्थान में आ जाए, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीति में है, सबसे पहली बात कि एक बार कार्य क्षेत्र से घर आ गए फिर अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जहां काम करते हो घंटा अधिक लगा लो, लेकिन ये नहीं कि फाइलें उठाकर घर लेकर आ रहे हैं, घर पर देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कभी ये नहीं सोचना कि मेरी प्रमोशन होगी, कभी ये नहीं सोचना कि मैं इतनी तरक्की करूंगा। अपने आप अचानक ही केतु आपको बहुत ऊंचाइयां देंगे, बहुत तरक्की देंगे, समाज में मान इज्जत देंगे, हुकूमत चलेगी आपकी जब दशम भाव में केतु हो। और होशियारी और चलाकी करनी पड़ती है जब बहुत आवश्यक हो जाए। तो जब किसी से होशियारी करनी हो, चलाकी करनी हो, एक तो अगर अकेला केतु हुआ फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी के साथ भी होशियारी या चलाकी करनी, आप पकड़े जाओगे क्योंकि इमोशन इतनी अधिक है। अगर इसके साथ कोई ग्रह हुआ या किसी की दृष्टि हुई फिर आप सक्षम होंगे दूसरों से होशियारी करने के लिए, चलाकी करने के लिए, कैसे किससे निपटना है। तो मैं कहता हूं कि जो बेईमान है उससे बेईमानी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमानदार से, शरीफ बंदे से इसको कभी जूझ नहीं करना, और कभी इनके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी। तो आप देखिए कैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हो। ग्यारहवें भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो ये जो भाव हुआ ये हो गया आपकी आमदन का भाव। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि, कुंभ का राशि का निशान क्या है भाई? घड़ा। घड़े में क्या है? सोने की मोहरे भी हो सकती हैं कि पानी ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जहां पर केतु आपकी आमदनी में अचानक एक बार बहुत बड़ी वृद्धि करवाएगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम साथ में दे देगा, वृद्धि होगी आपकी आमदनी में, प्रॉब्लम दे देगा आपकी मानसिक शांति में, आपके सुख में। और जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, चाहे विपरीत लिंग के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनके कारण मन अशांत रहेगा और कई बार बदनामी भी हो सकती है आपके जिनके साथ रिलेशन है। तो जब ग्यारहवें भाव में केतु आ जाए तो सबसे पहले तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं इतना कमाऊंगा या मेरी आमदनी इतनी हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये सोच लिया तो फिर डाउनफॉल आपका शुरू समझिए। दूसरा, मित्रों को पहचाने की कैसा है वो, आंखें मूंद कर किसी मित्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। और जो आपका सोशल सर्कल इतना बड़ा बनाया हुआ है इसमें से कुछ बंदों को निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि लगन से हमेशा शत्रु राशि होती है ग्यारहवें भाव में। और जहां
केतु विराजमान हो गया। इमोशन का कार्य क्या, साथ में छल कपट भी आता है इसको, क्योंकि राहु का ही भाग है। तो भाई मित्रों को इस तरह से डील करना है कि उनको लगे कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से उन पर नजर रखनी है कि मेरे खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहा। नहीं तो ऐसा देखा गया है कि जब 11वें भाव में केतु होता है, जातक को सभी सुख मिलते हैं, लेकिन उसके जो मित्र होते हैं या बहुत क्लोज रिलेटेड पर्सन होते हैं, ये नहीं कि सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ज्यादातर आपकी सहायता ही करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। उनकी पहचान पहले ही कर लें, और कभी ये कोशिश नहीं करनी कि मेरे इतने मित्रों, समाज में मेरा नाम हो, मेरी बहू बड़े घर की हो, मेरा दामाद बड़े घर का हो। इस तरह की थिंकिंग बिल्कुल नहीं लेकर आनी, नहीं तो भाई आप समस्या में रहेंगे। जब 12वें भाव में केतु विराजमान हो जाए, देखिए ये जो 12वां भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति की राशि है, धर्म गुरु, केतु मोक्ष का कारक, 12वां भाव गुप्त शक्तियों का कारक, 12वां भाव विदेश की धरती का कारक, तो विदेश की धरती से लाभ होगा, गुप्त शक्तियों से लाभ होगा। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। इतना अवश्य है कि खर्च जब करो उससे पहले सोचना नहीं अधिक, और जो दिमाग में आपके है कि मैंने अपना ये शौक पूर्ण करना, शौक अच्छा होना चाहिए, तो उसको पूरा कीजिए। जोड़कर किसी के लिए नहीं रखना। आपकी मृत्यु के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि आप उसके लिए इतना छोड़ गए। पहले अपना सुख देखिए, गरीबों की मदद कीजिए, जो बीमार हैं उनकी मदद कीजिए, कुत्तों की मदद करना बहुत अच्छा है, तो आपको गति भी अच्छी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी अगर कुत्तों की सेवा करते हैं। 12वें भाव का केतु विदेश की राजनीति में भी जातक को सफलता देते देखा गया है, और अगर राजनीति में है तब भी आप असूलों से चलिए, तो भाई फिर देखना कैसे आप तरक्की करते हो। तो ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर, कि केतु से कैसे चमत्कार ले। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।